वैलेंटाइन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने काफी अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे में वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे एटसेट्रा एटसेट्रा मनाए जाते हैं। 7 फरवरी को रोज डे होता है। आप जब रोज खरीदने जाते हैं तो यूजुअली वैलेंटाइन वीक के दौरान रोज की कीमतें काफी बढ़ जाती है। एवरेज प्राइस जो रोज का 15 रुपए होता है वो इस सीजन में अराउंड 32-35 हो जाता है। एंड डू यू नो, इंडिया को वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोज एक्सपोर्टर माना जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक तरफ पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड रिसेशन का डर है, वहीं इंडियन रोज एक्सपोर्ट मार्केट को इसका फायदा भी मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये डिटेल में जानेंगे। हाई, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। So, according to officials of the Telgaon-based Indian Society of Floriculture Professionals ISFP, इस Valentine season में rose export double होने की expectations की जा रही है, क्योंकि ongoing war की वजह से Europe flowers grow नहीं कर रहे हैं। India का total rose export November 2022 में 18.34 करोड़ रुपीस टच कर चुका है, जो कि नवंबर 2021 में रुपीस 9.68 करोड़ पर था। लेकिन ऐसा क्यों? यूरोपियन मार्केट फ्लावर्स ग्रो क्यों नहीं कर रहे? तो इसका सीधा सा रीजन है एनर्जी क्राइसिस। यूरोप में वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस हुआ है एंड फ्लोरिकल्चर के लिए हाई एनर्जी कंजम्पशन, विच इंक्लूड्स हीटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग, CO2 एनरिचमेंट एंड इन सबसे बढ़कर हाई लेबर कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ज्यादातर लीडिंग डच ग्रोअर्स ने विंटर सीजन में अपने प्रोडक्शन को रोक दिया है। अकॉर्डिंग टू ISFP, इंडिया का फ्लावर एक्सपोर्ट वापस ट्रैक पर आ गया है। COVID-19 पैंडमिक के दौरान यहाँ भी प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था। COVID-19 की सेकेंड वेव के दौरान 5-10% ही डिमांड थी। कंपनियों को 60% प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े थे। COVID-19 के दौरान 2 सालों में बड़े पैमाने पर पौधे भी नहीं रोपे गए थे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट के हालात कोविड के दौरान भी ठीक ठाक थे, लेकिन फिलहाल ड्यू टू रिसर्जेंट इकोनॉमी एंड जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट भी ग्रो कर रही है, तो एक बार फिर से उम्मीद है रोज मार्केट में बाहर आ सकती है। इस साल इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। पिछले साल भी डिमांड में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। चलिए अब ये जानते हैं कि इंडिया कहां कहां रोज को एक्सपोर्ट करता है और कितनी बड़ी ये मार्केट है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रोज की क्वालिटी को काफी बेहतर माना जाता है एंड प्राइमरली हम लोग UK को 35% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया को 19% एंड जापान को 18% रोज एक्सपोर्ट करते हैं। देन मलेशिया, सिंगापुर एंड गल्फ कंट्रीज के लिए स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं। पुणे के मवल तालुका में मेजर फ्लोरिकल्चर हब है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्लावर्स। ISFP को एक्सपेक्टेशंस है कि इस वैलेंटाइन सीजन में 50 करोड़ हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, दैट इज बैक टू प्री कोविड लेवल्स। पुणे के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल मेजर रोज ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ज्यादातर एक्सपोर्ट मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट से होता है। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली 39.03 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है टू बूस्ट कट फ्लावर एक्सपोर्ट। ज्यादातर एक्सपोर्ट मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट से होता है, विद मुंबई अकाउंटिंग फॉर मोर देन 60% ऑफ शिपमेंट्स फॉर द वैलेंटाइन सीजन। तो इस बार रोज एक्सपोर्ट मार्केट में बाहर आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।